किया है, उसमें अचीवमेंट हासिल किया है। ये जुजित्सु की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता। और दूसरा इन्होंने इसके बाद एशियन गेम्स में भी, अभी जब ये जुजित्सु गेम इंट्रोड्यूस हुआ तो भारत की तरफ से ये खेलने गई थी चीन। तो ये एक बड़ी खिलाड़ी हैं और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में तमाम अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। अभी कल ही इनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्टर वन दरोगा की पोस्ट का अपॉइंटमेंट लेटर कल इनको दिया है। तो इनको बुलाने का मुख्य आशय ये है कि तुम लोगों कितना कर सकते हैं, तो तुम लोगों को इसीलिए, तुम लोगों को भी इनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त हो। तो मैं अनुरोध करूँगा नव्या से कि वो थोड़ा सा आपको जुजित्सु। कैसे हैं आप लोग? खेलते हैं आप लोग कुछ कुछ भी गेम? खेलते हैं क्या क्या खेलते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट और फुटबॉल, और कौन सा बिड्डू जो आप खेलते हैं, मैं आपको बता दूं सेवन स्टोन्स भी नेशनल गेम्स का पार्ट है। अब जो आप बिड्डू गेम खेलते हैं, सेवन स्टोन्स बोलते हैं उसको, वो आपके नेशनल गेम्स में खेला जाता है। बट उत्तराखंड से कोई टीम खेलती ही नहीं है, इसीलिए अभी तक उत्तराखंड से पार्टिसिपेट नहीं हो पाया है। अदरवाइज आप सेवन स्टोन्स खेल कर भी नेशनल गेम्स में मेडल ला सकते हैं। दूसरी बात, जुजित्सु, सब लोग ने रेसलिंग देखा है? रेसलिंग देखा है? Yes. कोई फेमस पर्सनालिटी पता है रेसलिंग का? किसी को जानते हैं आप? रेसलिंग कहाँ करता है? WWE करता है वो तो। बताइए कोई रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट बताओ, कोई कोई तो जानते होंगे। अरे अपने देश के रेसलर दारा सिंह वगैरह है। बताओ। अच्छा पिक्चर भी बनी है दंगल। दंगल, दंगल में कौन था? शाहरुख खान, आमिर खान। अरे वो तो ठीक है। किस पर बनी है फिल्म वो? गीता फोगाट। गीता फोगाट को जानते हैं आप? गीता पुनिया हो गए, ये सब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ये हमारे देश के। और ओलंपिक में जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो ऊपर गेम आता है, उसके बाद एशियन गेम्स होता है। तो सिमिलरली जैसे रेसलिंग होता है, वैसे ही जुजित्सु होता है। बेसिकली जितने मार्शल आर्ट्स है, कराटे आप लोग को पता है? कराटे, ताइक्वांडो पता है? जूडो, वैसे ही जुजित्सु इन सब से मदर है, इन सब की मदर ऑफ मार्शल आर्ट है, राइट? सारे गेम्स जुजित्सु से इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे आप रेसलिंग करते हैं, वैसे ही जुजित्सु में आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉक्स चोक्स सिखाए जाते हैं। और जब आप जुजित्सु करते हैं तो आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कहीं भी कोई रोड पर आपको परेशान कर रहा है, या कोई भी किसी के भी साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है कभी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो आजकल, तो आपको इतना सेल्फ रिलायंट बना देगा वो गेम। आप कोई भी किसी का हाथ तोड़ना जान सकते हैं, आप किसी को कैसे बेहोश कर सकते हैं, कैसे कोई सीरियस इंजरी दे सकते हैं जिससे आप उस सिचुएशन से भाग सके, उस जो भी आपको वहाँ पर परेशान कर रहा है उस स्थिति से भाग कर आप किसी सेफ स्पॉट पे जा सके, वो सबसे जरूरी। और साथ ही साथ एशियन गेम्स के बारे में आपको पता है? देखे थे एशियन गेम्स इस बार? कहाँ हुए थे एशियन गेम्स? चाइना। चाइना में हुए थे। देश का प्रधानमंत्री पता है ना सबको? यस। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस बार बहुत ज्यादा मोटिवेट करा था, बहुत ज्यादा कैंपेन करी थी एशियन गेम्स की। शायद आप लोग ने टीवी पर भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन से लेकर सारे बड़े सेलिब्रिटीज, आपके जो फेवरेट सेलिब्रिटीज होंगे, उन्होंने भी ऐड करे थे इस बार मेडल 100 पार, और इंडिया के मेडल्स आए भी थे 100 पार। गेम्स में बहुत अच्छा स्कोप है पढ़ाई के साथ साथ, अगर आप गेम्स भी करेंगे तो चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपको स्कॉलरशिप हो, या चाहे वो आपको फेम हो, जल्दी ही आपको मिल सकता है। तो आप कोई भी गेम कर रहे हो, चाहे वो आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बस आपको मन लगाकर प्रैक्टिस करनी है, राइट? पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो आप लोग खेलेंगे आगे से? जोर से बोलो। यस।